दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं जियो के फीचर फोन की अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर देखें तो हमें देखने को मिलता है जियो का लोगो और इसका एक फोन। उसके साइड में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे लिखा होता है वॉच ऑन टीवी सिंपली बाय कनेक्टिंग अ केबल। हालांकि इसमें केबल है कि नहीं ये तो हमें बॉक्स खोलने के बाद ही पता चलेगा। अगर केबल इसमें होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके पीछे लिखा है पावर्ड बाय KaiOS, तो ये KaiOS पे चलता है। चलिए अब जल्दी से हम लोग बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलने पर मुझे यहाँ पे जो चीज़ सबसे पहले दिख रही है वो है जियो का एक फ़ोन जिसके ऊपर जियो का एक लोगो है और ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। इसका कीपैड भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है देखने में, और ये क्योंकि ये कीपैड यहाँ पे ओके तो ये कीपैड रबर का है। अगले बॉक्स की कंटेंट की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे एक चार्जर। ये USB चार्जर ही है लेकिन ये रिमूवेबल नहीं है, यानी कि हम लोग इसका केबल इसके अडाप्टर से रिमूव नहीं कर सकते। आगे अब अगर हम लोग देखें तो हमें देखने को मिलती है एक बैटरी। ये बैटरी है 2000 AMAH की और यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी बस ये नाम का इंडियन है और ये मैन्युफैक्चर हुआ है चाइना में। यहाँ पे हमें एक बार कोड भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें जियो सिम की तो ये आपको फोन में इंस्टॉल हुआ। अगर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 2.4 इंच का TFT डिस्प्ले। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट वीजे कैमरा। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है और 128 GB का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वायरलेस FM रेडियो और GPS और ब्लूटूथ जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर बात करें इस फ़ोन के रैम की तो ये है 512 MB रैम, जो कि फीचर फ़ोन के हिसाब से ठीक है, और यहाँ पे 4 GB की मेमोरी भी आपको मिल जाती है। इसकी बैटरी की बात करें तो ये है 2000 mAh की बैटरी। अगर हम बात करें इसमें WhatsApp और Facebook और YouTube के एप्लीकेशंस की तो वो आपको ब्राउज़र से चलाना पड़ेगा। हालांकि WhatsApp तो आप नहीं चला सकते लेकिन Facebook और YouTube चला सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपको जियो अपडेट के थ्रू वो तीनों एप्लीकेशन दे दें। चलिए कर लेते हैं इस फ़ोन की कुछ टेस्टिंग। तो सबसे पहले करते हैं इसकी कैमरा टेस्टिंग। अगर बात करें इसके 2 मेगापिक्सल की रियर कैमरा की तो ये मेरे ख्याल से ठीक है क्योंकि ये बस एक फीचर फ़ोन है। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो ये भी ठीक है क्योंकि हमें किसी भी फीचर फ़ोन में फ्रंट कैमरा देखने को नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से ठीक है। दोनों कैप्चर हुए इमेजेस आपको लास्ट में मिल जाएंगे। इस फ़ोन में आपको मिल जाता है एक म्यूजिक प्लेयर और जियो म्यूजिक। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। जैसा कि आपने अभी सुना इसकी साउंड क्वालिटी तो ठीक है, तो 10 लाइक इस साउंड क्वालिटी के लिए। अगर बात करें जियो स्टोर की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जियो सिनेमा, नरेंद्र मोदी ऐप, माई जियो, जियो टीवी, जियो पे, जियो गेम, जियो म्यूजिक और जियो मैसेज। अगर ओवरऑल बात करें तो दिस इज अ मोर देन फीचर फोन बट लेस देन अ स्मार्टफोन। अगर हम बात करें इसके रेटिंग्स की तो हमने दिया है इसे 4.8। बट वेट, इसमें वो केबल नहीं था जिसे हम टीवी से कनेक्ट कर सकें तो हम इसे दे रहे हैं 4.5। हम देखना चाहते हैं कि आप इसे कितना रेट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल।